भगवान भाइयों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज एक जानकारी लेकर आया हूँ आपके समक्ष। ये देखिए, ये हमारी एक सरिये को जो बांधने वाली वायर होती है, इसको हम बेंडिंग वायर बोलते हैं। ये एक हमारे पास प्लास है, आज हम बेंडिंग का कार्य करेंगे। ये हमारे पास एक गाला का प्लांट है, डार्क बेरन गाला, MM 111 पे है ये रूट पे। इस पे कुछ एक हमने बांध ली है, ये देखिए टहनियाँ हमने फोल्ड कर दी है, जितना हमने इसको झुकाना है। अभी फिलहाल शुरू में हमने इसमें टूथपिक भी फंसाई थी, टूथपिक से भी बेंडिंग करी थी। इसका जो एंगल है वो हमने वाइड कर दिया हुआ है बढ़िया से, और कुछ टाइम बाद हम इसको और नीचे बांधेंगे। यही वायर हम नीचे नीचे करते जाएंगे। ये देखिए बांधना इस तरह से है, जो ये वायर है बिल्कुल टाइट, जो मेन स्टेम में ना बंधे, इससे जो है इसका जो सैप का फ्लो है वो रुक जाता है। जो मेन स्टेम में जो सैप का फ्लो नहीं रुकना चाहिए। ये कुछ एक बड़ फॉर्मेशन इसमें हो चुकी है, लास्ट ईयर भी इसमें हमने बेंडिंग वर्क किया था, इतनी हमने झुकानी है अभी। ये तो ये देखिए टूथपिक आप दिख रही होगी आपको। ये देखिए ये जो ग्रोथ आ रही है इसको हम पिंच कर देंगे। तो जितने भी फैदर बागवान भाइयों आपके पास आते हैं, उनको उन सबको रूट में जो है बेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, शुरुआती स्टेज में टूथपिक से और बाद में इस तरह से वायर से या धागे की मदद से आप इस तरह से हुक बनाएं। इनकी दोनों तरफ जो है हुक की तरह जो इनको बनाएं, और एक हुक को टहनी में फंसाएं और दूसरे हुक को नीचे वाले हिस्से में लगा दें। ये देखिए ज़्यादा टफ काम नहीं है, लेकिन समय आपको भगवान भाइयों बेंडिंग के लिए विशेष रूप से लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेंडिंग से ही जो है रूट जो आपका है वो कंट्रोल होगा, और साथ ही साथ स्पर फॉर्मेशन उसमें बढ़िया से होगी, और फ्रूट्स जो है उतना जल्दी आप ले पाएंगे। ये देखिए ये टहनी, इसमें हमने हुक फंसा दिया हुआ है, और ये जो है वायर कुछ छोटी लग रही है मुझे। इसके लिए हम जो है इसको बांध लेंगे। इसको बांधने के बाद बताता हूँ आपको, इस तरह से बांधने के बाद बताता हूँ बाबू भाइयों। तो ये जो बेंडिंग का कार्य है, ये ज़्यादातर जैसे ही आपका सेप का फ्लो और अगस्त के आसपास जो है आप कर सकते हैं, ताकि उस टाइम जो है ग्रोथ थोड़ी रहती है प्लांट में, लेकिन उतनी अग्रेसिव भी नहीं रहती है। प्लांट जो है डोरमेंसी की तरफ बढ़ रहा होता है, तो तब जो है आपके पास ऑफ शूट नहीं निकलते हैं कई बार। तो जहाँ से हम बैंड करते हैं वहाँ से ऊपर को जो है ग्रोथ आने लगती है, चाहे वो रूट हो चाहे वो सीडलिंग। सीडलिंग में ज़्यादा आती है, रूट में थोड़ी कम आती है। तो इस तरह से बागन भाइयों, ये देखिए इसमें पूरे में बेंडिंग हो चुकी है, ऊपर से नीचे थे। तो उम्मीद करता हूँ बागवान भाइयों आप इसमें रहते यह कार्य अपने बगीचे में करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।